हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्यून की तरफ से ट्रांस माउंट सर्वो जूम फोकस मोटर। ये मैंने अमेजोन से 7000 रुपये में खरीदी है, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अमेजोन के डब्बे से हमने इसको पहले ही बाहर निकाल दिया था। अब इसके ऊपर एक पन्नी थी, पन्नी को भी हमने उतार दिया है। अब आप सील देख सकते हैं, सील को हम चाकू से काट देंगे और अब हम स्लाइड करके डब्बे को बाहर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का डब्बा हमें देखने के लिए मिलता है और डब्बे के अंदर से हमें एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे हमें इस तरह का पैकेट दिखता है। पैकेट को खोलने पर हमें इसमें दो रबड़ देखने को मिलती हैं जो कि हमें लेंस के ऊपर लपेटनी होती है। अगर आप जूमिंग करना चाहते हैं तो जूमिंग एरिया पर लपेटनी है, अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो फोकस एरिया पर लपेटनी है। अब हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पैकिंग में हमें ये सब आइटम देखने के लिए मिलते हैं। ये मेन मोटर है जो हमारे लेंस को घुमाएगी। ये बहुत छोटी सी मोटर है लेकिन काम ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन करती है। अगर आपने विबलेस गिम्बल लिया है तो आपको ये मोटर जरूर लेनी चाहिए। इस मोटर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोटर को पावर देने के लिए टाइप सी टू टाइप सी केबल हमें मिलता है और ये इसकी माउंट एसेसरीज हैं। साथ ही साथ ये भी इसकी माउंट एसेसरीज है। साथ ही डब्बे के अंदर हमें एक स्क्रू देखने के लिए मिलता है, ये भी इसकी माउंट एसेसरीज है। ज्यून मैक्स मोटर के साथ ये सारे के सारे सामान आते हैं। अब हम इसे ज्यून विबिल एस गिम्बल के साथ फिट करेंगे और इसके माध्यम से अपने कैमरे के लेंस को ऑपरेट करके देखेंगे। जूम मोटर को गिम्बल के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें कैमरे के नीचे कैमरा बैकिंग प्लेट लगानी होगी। केवल क्विक रिलीज प्लेट से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये अब कंपल्सरी हो जाती है। इसके लिए अब हम कैमरे के साथ इस प्लेट को फिट करेंगे। कैमरा बैकिंग प्लेट को हम कैमरे के साथ फिक्स कर चुके हैं। अब हम क्विक रिलीज प्लेट को कैमरा बैकिंग प्लेट के साथ सेट कर देंगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम फिट हो चुका है, इस तरह हमने फिट करना है। अब हम कैमरे को गिम्बल के साथ इंस्टॉल कर देंगे। कैमरा लिया, इस प्लेट पे ऐसे रख के इसको सेलेक्ट किया, ये वाला लॉक बटन को दबाया, ये अंदर चला गया और ये फिक्स हो गया। अब हम ज्यून फोकस मोटर को गिम्बल के साथ अटैच करेंगे। अब हम ज्यून की फोकस मोटर में जो इसके सामान है वो इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम इस पाइप को इसके साथ इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए थ्रेड वाला हिस्सा है वो हमें इस तरह रखना है और फिर हमने इसको टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया। इसके बाद हमें इसको इस तरह रखना है, इस तरह हमने इसको टाइट कर देना है। अब ये हमने लगा दिया पाइप, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इस पाइप को लगाया और इस तरह से इसको हमने लगाया है, पूरा इस तरह से इंस्टॉल करना है। अब हम इसको गिम्बल की क्विक रिलीज प्लेट के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए अब हम क्विक रिलीज प्लेट को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर इस तरह के दो होल दिखते हैं, इन होल में ही फोकस मोटर को इंस्टॉल करना है। अब हम जूम मोटर को इस तरह रख के इसको इस तरह फ्लैट करके इसके साथ टाइट कर देंगे। इस होल के साथ ये जो आपको होल दिख रहे हैं, इन होल के साथ इसको हम इस तरह रख के टाइट कर देंगे। हमने टाइट कर दिया, अब ये भी हम इसको भी टाइट कर लेंगे। इस तरह हमारी ये जूम मोटर यहाँ पे फिट हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इस बटन के माध्यम से। अब हम लेंस में इस रबड़ को लगाएंगे। इस रबड़ को खोलने के लिए हमें ये दांत आपस में फिक्स हैं, इन दांतों को इस तरह सेलेक्ट करके निकाल लेना है। बाहर ये देखिए निकाल लिया। अब हमने इसको लेंस के ऊपर फिट कर देना है। अब हम इस रबड़ को लेंस के साथ फिट कर देंगे। इस तरह फिट करना है कि ये जो दांतें हैं भर की तरफ रहें, वो दिखा देता हूँ। साथ ही इस स्ट्रिप को लेंस के जूम बटन के ऊपर बिल्कुल टाइट फिक्स करना है ताकि जब फोकस मोटर इसके ऊपर घूमे तो ये स्लिप ना हो जाए। और साथ ही साथ इसको आपको अलाइन भी कर लेना है क्योंकि अगर अलाइन नहीं होगा तो मोटर के ऊपर काफ़ी जोर पड़ेगा जिससे मोटर ख़राब हो सकती है। अब ये जो स्ट्रिप है बिल्कुल अलाइन हो गई है। अब हम मोटर को एडजस्ट करके इस स्ट्रिप के ऊपर इस तरह बिठा देंगे कि मोटर के दांत और स्ट्रिप के दांत बिल्कुल मैच कर जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल दांत मैच कर गए हैं। अब हम इसको टाइट कर देंगे, मतलब ये जो लीवर है इन लीवर के माध्यम से मोटर को बिल्कुल टाइट कर देंगे ताकि जब ये ऑपरेट हो तो हिले ना। हमने मोटर को अच्छे से फिक्स कर दिया है। साथ ही साथ स्ट्रिप को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कि अच्छे से अलाइन है ना।
जूम फोकस मोटर और स्ट्रिप अच्छे से अलाइन हो चुकी है। अब हम इसको गिम्बल के साथ फिट करेंगे। हमने पूरी की पूरी सेटिंग कर दी है, अब हम इसको अपने गिम्बल के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, हमने रख दिया इसको ऐसे, बटन दबाया और ये अंदर चला गया, ये लॉक हो गया। अब हम पावर सप्लाई के लिए इस टाइप सी टू टाइप सी लीड को एक पॉइंट को हम जूम फोकस मोटर के साथ लगा देंगे और दूसरे एंड को हम गिम्बल के साथ अटैच कर देंगे। एक तो हमने यहाँ लगा दिया, फिक्स हो गया, और दूसरा पार्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। लीड थोड़ी छोटी पड़ रही है, इसलिए हम थोड़ा सा इस प्लेट को स्लाइड कर देंगे। जी, ये लीड हमारी लग चुकी है। अब हम गिम्बल को बैलेंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा वेट ऐड हो गया है तो शायद हमारा गिम्बल बैलेंस ना हो। दोस्तों, हमने गिम्बल को बैलेंस कर लिया है, और बैलेंस करने के बाद हमने गिम्बल को ऑटो ट्यूनिंग के माध्यम से इसकी बैलेंसिंग को भी चेक कर लिया है। अब हमारा जो गिम्बल है वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, और जैसे ही हमने पावर सप्लाई ऑन की, आप देख सकते हैं ज़ियोन की जूम मोटर के अंदर भी पावर सप्लाई आ गई है और यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करने शुरू हो गई है। अब हम व्हील के माध्यम से इसको घुमा कर देखेंगे, घूमता ही नहीं घूमता। ये आप देख सकते हैं, ये लेंस हमारा घूमना शुरू हो गया है और जूम मोटर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह से ये जो हमारी प्रक्रिया थी पूरी तरह से कामयाब हुई। मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज़ियोन की मोटर इस लेंस को घुमा रही है और जूम इन जूम आउट की प्रक्रिया कर रही है। आप देख सकते हैं, मैं जूम व्हील को रोटेट कर रहा हूं और मोटर लेंस को जूम इन जूम आउट कर रही है। तो ये मोटर अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। इस जूम मोटर का प्रयोग आप जूमिंग के लिए और फोकस के लिए दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस स्ट्रिप को लगा देंगे और यहाँ पे इसको बैलेंस कर देंगे तो फोकस का काम करेगी, यहाँ लगा देंगे तो जूम का काम करेगी। तो दोस्तों, ये थी जूम मोटर की कंप्लीट सेटिंग। उम्मीद करता हूँ सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी और मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा।